हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज हमारा सबसे पहला स्टेशन है कुंडली भाग्य का सेट, जहां पर प्रीता के पीछे पीछे उसका करण आ गया है। अब प्रीता पीहू के साथ उसके स्कूल पहुंची है, तो पीछे पीछे करण जो कि आज का अर्जुन है वो भी आ गया है। अब करण के मन में तो यही घूम रहा है ना कि प्रीता ने उसको मारा है, तो ऐसे में वो अब बदले की भावना से आया है। हमारा अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट, जहां पर बरखा पूरी कोशिश कर रही है कि अनुज और अनुपमा के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। अब उसने अनुपमा से बातों बातों में ये चीज कह दी कि तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही है ना, तो कोई बात नहीं, मैं उसे सॉल्व करूंगी। अब अनुपमा बरखा की बातों को समझ तो रही है, लेकिन उसने अभी जवाब नहीं दिया। जवाब अनुपमा ने तब दिया जब अनुज लौटा और बरखा ने ये देखा कि इनके बीच तो सब ठीक हो गया। फिर क्या, सही मौका आया और अनुपमा ने जवाब दे दिया। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार का सेट, जहां पर पाखी कहने को तो घर लौट आई है और अच्छा बनने का नाटक कर रही है। वहीं पर जब सई और विराट ने ये खबर सुनाई कि वो बच्चे के लिए तैयार है, सरोगेसी होगी और कोक किसी और की होगी। अब इस बात पर सबसे पहले ऐतराज जताया पाखी ने, क्योंकि पाखी जानती है कि वो ऐतराज जताएगी ही तभी तो काकू को वो ये कह पाएगी कि सई और विराट के बच्चे को कोक मैं दूंगी। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।